नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष जैन आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है नन्ही लाड़ो पढ़ने जा रहा हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी और आप इस पर मनन अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नन्ही लाड़ो। वो नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी, अपने पापा की वो लाडली थी, जिसे ना डर था किसी बात का, ना फिक्र किसी बात की होती थी। वो नन्ही लाडो खुद तो खिलखिलाकर हंसती थी और अपने पापा को भी हंसाती थी। वो लाडो जो अपने पापा की लाडली थी, अब पापा को नहीं हंसाती है और ना खुद हंसती है। अपनों के ही चक्रव्यूह में फंसकर वो दम तोड़ देती है, क्योंकि जिसे वो अंकल अंकल कहती थी, जिसे वो पापा सा सम्मान देती थी, आज उस दरिंदे की हवस का वो शिकार हुई थी और अपने पापा को वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। ना कसूर था उसका कुछ, ना गुना उसने कुछ किया था, उसने तो बल्कि सबको अपने पापा सा सम्मान दिया था। नेक दिल उसने तो हर इंसान को माना था, मगर कुछ बुरे दिल भी होते हैं यहां, ये कहां उसके पापा ने उसे बतलाया था। महज 4 साल की थी वो, महज 4 साल की। उसने तो अब तक अपना बचपन देखा भी नहीं था और ना कुछ समझ थी उसको, मगर उस दरिंदे की नजर न जाने कब से उस पे थी। उजाड़ दिया उसने जीवन सारा और बता दिया कि पापा के सिवा कोई सगा नहीं होता बेटी तुम्हारा।